गणेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बनाकर साध ही नहीं हाँ हाँ दुर्योधन बांध ही नहीं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज ही के दिन हिंदी के सबसे प्रिय साहित्य में से एक रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में एक बड़ा काव्य रचा, तो उसमें सातवें अध्याय का एक तृतीय सर्ग है जिसे श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद के नाम से या फिर कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी जाना जाता है। आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके सामने इसे साझा करने की कोशिश करूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। क्या संदेश लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच गांव। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीन उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो अवतार है उसे प्रकट किया है। उदयाचल मेरा दीप्तभाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधि बंध को घेरे है मैनाक मेरू पग मेरे है दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चर अक्षर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बनाकर साध ही नहीं हाँ हाँ दुर्योधन बांध ही नहीं। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहां तू है। आगे की पंक्ति है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझे में पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन सासों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है
यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वो मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायश गाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा दुर्योधन, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर्न अघाते थे, रुद्राष्ट और विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। तो इस प्रकार की एक कविता है रामधारी सिंह जी की, जो कि मेरी मातृभाषा जो मराठी है, तो हो सकता है कि वाचन के प्रवाह में कुछ अशुद्धियां मुझसे निकली हो, उन अशुद्धियों के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। और आप सभी को मातृभाषा से कुछ याद आया, जिस प्रकार मेरी मातृभाषा मराठी है, हो सकता है आपकी किसी की कन्नड़ा हो, किसी की तेलुगु हो, जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, उसका अभिमान करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, जो कि हम सबको भारतीय के एक नाते में पिरोती है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। हिंदी का जो भी साहित्य है उसे हमें पढ़ना चाहिए। Also, I would like to share one great thought from Bhagavad Gita by Lord Krishna. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, the meaning of karma is in the intention. The intention behind any action is what really matters. Lord Krishna also quoted, No one who does good work will ever come to a bad end, either here or in the world to come. So please choose your karma, your actions very, very wisely. Once again, happy Sri Krishna Janmashtami to all of you. May Lord Krishna bless you all with happiness, peace and knowledge. Thank you. भाषा की एक और सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह भी हो सकती है कि हम जिस भाषा में भी बात करें एक दूसरे से, तो एक दूसरे को गाली गलौज की बजाय अगर हम एक दूसरे से प्रेम और आदर से अगर बात करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम हमारा आज और आने वाला कल उसे हम बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। तो एक विनती यही होगी आप सभी से, जो भी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसके सम्मान में हम एक दूसरे से प्रेम और आदर से बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।